सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपके जीवन में अपार खुशियां लाएं, और जिस तरह का स्वागत अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम का उस समय में किया था, मैं चाहता हूं आप सभी लोग दीपावली को उसी उत्साह और उसी खुशी और उसी उमंग के साथ मनाएं। अपने घर को दियों के साथ दीपावली मनाएं। ये चाइनीज लड़ी या बिजली के बल्ब, ये सारी चीज़ें हमारे इस जीवन में कहां कहां कब कब में स्थान ले गई, ये सब चीज़ों की मैंने समझता कि हमें इनकी आवश्यकता है। भगवान श्री राम को एक श्रद्धा के साथ उसी पुरातत्व तरीके से अपने घर को साफ सफाई करना, और दिए घी के या तेल के जैसे भी आप दिए जला सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से वो जलाएं, अपने आस पड़ोस में सभी मित्रों के साथ मिठाई खाना, मिठाई बांटना, एक दूसरे के घर पर बधाई संदेश देना, और जो महत्व इस त्यौहार का असलियत में हमें एक दूसरे के दुखों को मिटा करके दूसरे के घरों में खुशी पहुँचाने का होना चाहिए, वही हमें इस त्यौहार पर करना भी चाहिए। मेरा कहने का मतलब आप सभी से ये है कि जिस किसी से पुराने गिले शिकवे हों सबको मिटाइए, उनके घर जाकर के आप प्रसाद मीठा लेके जाएंगे तो मैं समझता हूँ वो उसके अंदर भी कोई किसी तरह की आपके प्रति किसी कटुता नहीं बचेगी। तो दीपावली का संदेश, भगवान श्री राम का संदेश यही है कि हम सभी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, खुशियों को एक दूसरे के साथ मिलकर के बांटें। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को पुनः पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और भगवान श्री राम से यही आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप जितने भी काम करें सकारात्मक सोच के साथ करें और समाज के कल्याण में लगे रहें। जय श्री।